ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। जनपद एटा में कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती संख्या को देख पुलिस कर्मियों ने भी एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। एटा जिले के अलीगंज थाने को थाना प्रभारी पंकज मिश्रा ने सैनिटाइज कराकर सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग के कड़े इंतजाम कराए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना लगातार जनपद में पैर पसार रहा है। अब तक 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में कोरोना की जंग लड़ रहे कर्मवीर पुलिस कर्मियों का सुरक्षित रहना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में कोतवाली के एक दरवाजे को बंद किया गया है, मुख्य द्वार को ही खोला गया है। शिकायतकर्ताओं के लिए हाथ धोने की समुचित व्यवस्था पानी के ड्रम साबुन के साथ की गई है। वहीं डेस्क ऑफिसर को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देश दिए गए तथा हर आने जाने वाले के हाथ सैनिटाइज कराने के लिए सैनिटाइजर्स का भी व्यवस्था की गई। सामाजिक दूरी बनाई जा सके इसके लिए दफ्तर की बैरिकेडिंग की जा चुकी है। थाना प्रभारी ने सभी पुलिस कर्मियों को अपने पास सैनिटाइजर रखने तथा सुरक्षित रहने की अपील की है। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट। जनपद एटा में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर शासन प्रशासन बहुत गंभीर है। आपको बता दें, अभी ताजा मामला जो है तहसील अलीगंज क्षेत्र के ग्राम नावर में आया था, जिसको लेकर जो है थाना जो है क्षेत्र की जो पुलिस हैं उन्होंने भी जो है कोरोना को लेकर काफी सजगता बरती है। आपको बता दें, आज हम जो है थाना अलीगंज में इस पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं हमारे पीछे, जिसको लेकर कोई भी अगर शिकायत करता आता है तो सबसे पहले उसको जो है यहाँ पर जो है सैनिटाइज कराया जाएगा, साबुन रखा है। उसके बाद जो बैरिकेडिंग लगाई गई है वो बैरिकेडिंग भी लगाई गई है।